करौली जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर उत्तरी भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैला देवी, जहां पर प्रत्येक वर्ष चैत्र के नवरात्रों में 17 दिन का मेला लगता है। इस मेले के दौरान बाहर से आने जाने वाले यात्रियों द्वारा फैलने वाली गंदगी के कारण कैला देवी निवासियों को अनेक तरह की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ रहा है। गंदगी से जुकाम, खांसी, एलर्जी, दस्त, इस तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। गंदगी से ये बीमार भी हो जाते हैं और मच्छर भी खाते हैं, डांस खाते हैं इससे। हमने देखा यहाँ सूगर जानवर वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये पवित्र नदी है यहाँ सब जने नहाते हैं, तो क्या है कि मतलब थोड़ा हीन भावना सी आती है, और ये गंदगी इतनी है कि मतलब सड़ान मार रहे हैं यहाँ बैठने, खड़ा भी नहीं हो जाए। किसको जिम्मेदार मानते हैं गंदगी के लिए? जिम्मेदार तो प्रशासन को और ट्रस्ट को, दोनों को जिम्मेदार मानते हैं, और ये एक उनके ऊपर डालते हैं और ये उनके ऊपर डालते हैं, एक दूसरे ऊपर डाल देते हैं, वो काम होता नहीं, वो काम ऐसे पड़ा रहता है। मिल के बाद में हैजा, मुख्य रूप से हैजा और मलेरिया, मच्छरों का विशेष प्रकोप हो जाता है इस गंदगी से, और काली सिल तो पूर्ण रूप में दूषित हो जाती है। प्रशासन व मंदिर ट्रस्ट व पंचायत को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि मेले के दौरान बाहर से आने वाले 70 लाख व्यक्तियों के द्वारा फैलने वाली गंदगी से कोई बीमारी ना फैले। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड के लिए।